मतलब हम तो सारे पीछे कटवा लिया करा, अरे एक नहीं पीछा छोड़ा करते। कल मतलब जब बैंक वाले बात करा करें नहीं तो गाल की भाषा में बोला करें, और कई बार तो इतनी गंदी बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ तक के मतलब माँ बहन की भी गालियाँ देते हैं। हमने मैं हमारे सामने ऐसे केस आए जब न्यू कहा बता रहा पर नहीं किस्त दे जानी हो ना तो अपनी बहुन भेज दिए, फिर हम भर जाए किस्त तेरी, मतलब इस टाइप की लैंग्वेज यूज करा करते मैं। और मारे ये पिछले 8 महीने हो गए, 8 महीने पहले एक्सपेरिमेंट करा था अगर आपका ध्यान हो सुनील वाले केस का। अरे भाई कति ताजे ताजे केस, नांगल चौधरी टोल काला केस भी आपने पता होगा, ओडे नांगल चौधरी टोल पर भाई मिला था अपन ने, ओडा हमने जिक्र कर दिया आगा हमारा। तो भाई जिसके जी कर रहा हो जिक्र कर रहा हो आप आ जियो, जब कोई परेशान हो या फिर कोई ऊँ भी कंधा हो तो, क्योंकि हम चुकता करांगे पैसा ना तो माफी करवा दे और ना न्यूकंदे किसी ने, लोन नहीं देंदे हम किसी तक। कागज भेजे थे आपका क्या नाम भाई साहब? मनोज कुमार जी। मनोज भाई काम कौन सा अपना? ये नांगल नूनिया है, नांगल चौधरी के पास। नांगल नूनिया, हाँ जी। तो आपने आवेदन कब भेजा? मैंने भेजा था जी 18 तारीख को। 18 तारीख को, नवंबर सितंबर या अक्टूबर? ये पिछले महीने में अक्टूबर को, अक्टूबर 18 को 6,59,273 रुपए का था मेरा, 6,59 का, 6,59,273 का। हाँ, और उसमें मैंने 15,444 की एक किस्त भर दी, एक किस्त। हाँ, फिर उसके बाद पहले मैनेजर का फोन आया तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी निडर चैनल पे, निडर इंडिया पे। हाँ, तो मैंने उसके बात की तो बोले कुछ नहीं होता सब ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैनेजर कहने लगा, हाँ मैनेजर। फिर उसके बाद एक हेमंत है जिसने मेरा लोन किया था, उसने मेरे पे प्रेशर बनाया भाई किस्त दे गाड़ी उठाएंगे, क्योंकि मैंने ना आरसी बहुत लेट बनवाई थी, क्योंकि हरियाणा में कलर कोड चल गया था ना, उसके बाद मेरी आरसी लेट बनी थी, अभी तक गाड़ी के नंबर भी नहीं गए, ठीक है। फिर उस नारनौल की बात है, नारनौल ब्रांच की। फिर उसके बाद में मेरे पास एक चिराग है, चिराग को उसका रिकवरी एजेंट है, उनका फोन आया बोला ऐसे ऐसे है हमारे जोनल हेड आए हुए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। आवेदन लगाने के बाद या पहले? आवेदन लगाने के बाद। अच्छा, ये आवेदन से पहले बोले वाला गाड़ी उठा लेंगे? पहले बोले गाड़ी उठा लेंगे। हाँ। और आवेदन लगाने के बाद आपसे मिलने दिन के बाद, ये अभी 6 तारीख की बात है। हाँ। सोमवार को 6 तारीख में कोटपुतली गया हुआ था। हाँ। 6 तारीख की बात है, फिर वो बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला जी बताओ जी क्या बात है, बोले जी हम आपसे टाइल का काम है, टाइल टू ले लेंगे, मुझे टाइल तो दे देंगे, दूसरा काम बताओ मुझे। एक अपने भुआजी का लड़का, उसको लड़का हुआ था तो मैं उस मैटर में गया हुआ था, बोलो आप मिठाई लेके आओ, ऐसे ऐसे बात करने लगे। फिर उसके बाद में बोला कि आप ऐसे करो, आपकी जो किस्त है 18 तारीख को आएगी, तो आपकी 3-4 किस्त पेंडिंग हो गई, 4 हो गई शायद, तो बोले आप ये कर दो मौजी, मैंने आवेदन लगा रखा है, मैं आपका 1-1 रुपया दूंगा, ठीक, 1 रुपये भी नहीं रखूंगा आपका, कंप्लीट दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला यार भाई बात ये है, अगर आपका ब्याज ज़्यादा है 11.51% लगा मेरा, तो उन्होंने बोला आपका कम कर देंगे। मौजी नहीं, मैं आपका कंप्लीट पैसे दूंगा। फिर करते करते आधा पौन घंटा हो गया बात करते करते, फिर बोले आप बगैर ब्याज दे देना 6,59,273 उसकी किस्त बना देंगे। मैं बोला जी मैं आपका कंप्लीट दूंगा। फिर वो समझ गए, ब्याज समेत दूंगा। मैंने बोला जी आपका ब्याज समेत दूंगा। फिर वो बैंक वाले समझ गए भाई कुछ तो है। मैंने आपकी नारनौल वाली ब्रांच में, जयपुर वाली ब्रांच में और RBI में एक आवेदन लगा रखा है, मुझे उसका जवाब दे दीजिए, आपका जो चुकता बनता है कंप्लीट दे दूंगा। फिर वो करते 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 बोले ऐसे कुछ नहीं होता, ये सरकार है कुछ भी कर सकती है। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप है ना 3,00,000 रुपए दे दो, आपके NOC दे देंगे, एक मिनट दे दो। फिर मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। मैं बोला जी एक भी नहीं दूंगा। उसके साथ में मेरे साथ 4 पिकअप है मेरे पास, एक गाड़ी होगी, मैंने 4 पिकअप की है ना पिछले महीने भी कर दी, और उससे पिछले महीने 2-2 किस्त हो गई, अब 1 किस्त कल की आएगी, 4 पिकअप की। तो आवेदन लगा दिया उनका? आवेदन किसी का नहीं लगा, पहले आवेदन तो लगा था खसम है। नहीं सर वो तो मान जाते हैं, 2 किस्त हो गई मेरी, मेरी बात मान जाते हैं। मैं रियल बोल रहा हूँ, मेरी 2 किस्त हो गई। आप मैं लोन नंबर बता सकता हूँ आपको, मेरी 2 किस्त हो गई। मैंने उनको ये बोल रखा है, रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ आपको फोन पे, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सुना सकता हूँ। वो मैं ऐसे बोलता हूँ जी मैंने आवेदन दे रखा है, एक आवेदन मेरी वैगनार का, उसका जवाब दे दीजिए, मैं सारी किस्त दे दूंगा आपकी। वो उसी के ऊपर इनके भी आवेदन लगा था, कागज चलेंगे वहाँ कोर्ट में, तो कोर्ट में थोड़ी चलेगा कि एक का ला रखा था, बाकी वो तो मान जाते हैं, वो तो मान जाते हैं, लेकिन जब फंसेगा ना, जब पैर फंसाएंगे, हर एक लोन का अलग आवेदन लगाओ,
हर एक लोन के लिए कागज होना चाहिए। और ये गाड़ी का तो एक बार फोन आया था, देखो वो क्या कहेंगे, उठना भी वो हर एक पर्सन इंडिविजुअल कागज पे ही बचेगी, हर एक कार्ड पे बचेगी, ऐसे थोड़ी। अब एक बार बताओ वैगनार के कागज पे पिकअप ने कैसे बचा लेगा? तो जवाब तुम चाहिए ना सर, यार वैगनार का चाहिए ना, पिकअप का कौन सा जवाब मांगे? पिकअप का वो अभी चुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो छोड़ देंगे, इसलिए हर एक गाड़ी का आवेदन अलग से लगा। उसके साथ में मैंने मेरे आस पड़ोस में चार आवेदन लगा चुके हैं, जो वीर सिंह भाई ने मेरे को बना के दिए मैंने लगा चुके, ठीक है। उसके बाद में वो घबराए हुए हैं कि भाई ये मनोज है नांगल नूनिया का, सारे बैंक वाले जानते हैं, तीन चार बार बैंक में जाके भी आया, वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे लीगल टीम के पास है आपका आवेदन, वो जवाब देगी, ठीक है। एक दिन तो मैंने सोचा कि धरना देऊं, जो प्रदीप जी नहीं अपने रेवाड़ी से, रेवाड़ी से प्रदीप जी, वो बोले हमारे आप करो। फिर मैं वो मैनेजर जानकार था, उसका नाम है हेमंत, हेमंत ऐसे कुछ है, तो वो जानकार था, वो बोले यार मनोज क्यों पंगा कर रहा है, तो जा एक बात ध्यान रखिए, फैसला फैसला तो बाद में करेंगे, पहले उनके आवेदन लगा। अगर किसी से पूछना है तो हर एक लोन का अलग आवेदन होगा, एक लोन से सबके आवेदन नहीं निपटे जाएंगे। और मैं तो एक होम लोन भी ले रखा, ले ले तो 50 ले ले, पर कागज लगा, आवेदन लगा लोन का, आवेदन कागज मांग। देखो कोर्ट में जाएगा वो ये कहेगा जी, वो नहीं कहेगा देखो जी ये आदमी है फ्रॉड, और ये क्या करता है, इसने जी आवेदन लगाया था एक गाड़ी का, और ये रोक रखी इसने सबकी किस्तें, इनका तो कुछ पूछा ही नहीं इसने, भाई उनके बारे में तो बैंक तब जवाब देगा ना जब कुछ पूछोगे। मैं तो सोचा एक आवेदन से काम चल गया, पड़ोसी क्यों लगवा दिया ना भाई, आवेदन लगा अपने जितने भी जो भी, देखो जो जेएसएम के हिसाब से पे करना चाहते हो तो सबका आवेदन लगाओ, अरे नहीं तो बाकियों का उनके हिसाब से पे करते रहो, जब इसका हो जाए हिसाब से तो नहीं करें, जनता सरकार मोर्चा के साथ, जनता सरकार, तो सबके आवेदन लगाओ, बाकियों का भी देख लेते हैं, 19 के बाद लगाएंगे जी, आपको 19 को अपने तैयारी करनी है। बिल्कुल एक भाई अपना क्या चल रहा भाई? भाई बीच में और तो कुछ दिक्कत नहीं आई थी, एक कमाल की बात ये हुई कि कई बार है ना मजाक में बढ़िया काम हो जाए, वो मैनेजर का फोन आया कि भाई DRT में मिलूंगा, थोड़ा सेटलमेंट करेंगे। मैं बोला महा भाई सा है, DRT में चला जाइए, रुपया नहीं देंदा एक भी, और सारी पेमेंट करूंगा ब्याज सुधा कोर्ट में, और कोर्ट में आ जा मैंने कोई दिक्कत नहीं, DRT में जानते नहीं। बोला अच्छा ठीक है, और महाराज ने कोर्ट में मेरा केस दे दिया, रिमोज कर दी JSM की। दूसरी बात, एक बात हो रही, उन्हें कोर्ट में जाने के बावजूद एक नोटिस भेज दिया, तो मैंने बोला भाई नोटिस क्यों भेज रहा है, मुझे नोटिस तो भेजने पड़ेंगे। फिर अपने में सारे साथी आ गए और बैंक के बाहर वो खड़े, उसके तो पैर तलेगी जमीन लिगड़ की मैनेजर की, और एक आवेदन और लगवा दिया गांव के एक साथी का, कार का है, वो दूसरा आवेदन जानते हैं उसके ही मतलब हालत खराब है, तो मतलब सीरीज शुरू होगी भाई, तो पूरा गांव चालू हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में, एक तो अपना JSM का एक आधार बन गया कि भाई केस कोर्ट में चला गया, और दूसरे नंबर पे ये है कि भाई बैंक वाला ने लगन लगा भी थारे दिन दोबारा भी आए भाई विजेंद्र भाई? ना भाई नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई नहीं। आपका आवेदन कद लगा, आपका बोलनिया कौन है? कोई भी नहीं बोल रहा, भैया गड़बड़ है फिर, ये क्लियर होगा घर में, हाँ यह गड़बड़ है, आप सीखो इस पर के बोलना है जी वो हमें, बाकी मानस तो पाजेंगे अपने खड़े होने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना को। हाँ भाई ये एक और मारा चीता देखिए, विजय ना जा भाई, बताइए के रहा के सीन रहा उसका, अपना वाला बराड़े वाला केस, बराड़े वाले का केस ऐसे रहा जी, के जब वो केस हुआ उसके बाद हमने ताले अपने आप तोड़े, उसके बाद अभी तक तो कोई वैसे आया नहीं, तो सुनने में आया कि बैंक से चौंकी में दो वकील और दो बैंक वाले आए थे, एम्प्लॉय आए थे, तो उन्होंने पूछा भाई ये ऐसा है हमने FIR कराना नहीं है, तो हमारे चौकी इंचार्ज जी ने बोला भाई ऐसा है मालिक को लेके आ, तो फिर तो तेरा FIR करेंगे, अदरवाइज तो एम्प्लॉय है तेरी FIR को नहीं मानते। मालिक मतलब मैनेजर? मैनेजर नहीं, और कि जो बैंक का मालिक है वो फिर तो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अभी मैंने कार की मैंने अपनी किस्त रोक दी, ठीक है, जो कार की किस्त मांगना है कहते भाई साहब वैसे तो आप किस्त दोगे नहीं, आप सेटलमेंट कर लोगे। मैं क्या भाई कर लूंगा, आवेदन ला दिया कि नहीं कार का? बोले यहाँ से तो आप पैसे मेरे को लगता देने के नहीं है,
मैंने कहा गलत बात भाई, एक एक पैसा दूंगा पर अगर सेटलमेंट कर लोगे मैं कर लूंगा। कहा भी कितने पैसे दोगे? मैं अगर अभी लेगा तो रुपये 50,000 दूंगा, उसके बाद रुपये दूंगा 50। कहते जी इतने में नहीं होता, 4.5 लाख रुपये आपके बकाया है, मगर 50,000 लेना तो भी ले लिए, नहीं तो उसके बाद सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे भाई। 50 थोड़ी बना है, इसके तो मेरे ख्याल 60-70 रुपये बनाएंगे, 60-10 रुपये दे देंगे। और भी कोई बोलना चाहोगे भाई? खाली करवाने की तो क्या दिन देना, करवा लियो बता दिया था मैं, आज करवा लियो, कोई टेंशन नहीं है जी, यो घर इसके घर के बाहर जनता सरकार मोर्चा का बोर्ड और लुवा दो, बैनर लुवा के आज भाई नको जुन साहब है, वार्निंग लिखवा दियो बस। ठीक है भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं, 19 नवम्बर ने करनाल पहुंच जाओ, 19 नवम्बर ने। ये मतलब देखो, जमीन की लिमिट, बैंका के लोन, दुखी हो रहे हो तो भाई दुखी होने की जरूरत नहीं, किसी भाई ने तंग होने की जरूरत नहीं, किसी भाई ने अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं, किसी भाई ने किसी का गाल देने की जरूरत नहीं, किसी भाई ने परेशान होने की जरूरत नहीं, बस 19 नवंबर ने करनाल आ जाओ, इतना परिवार मिलेगा, हिम्मत वैसे ही मतलब कई गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो गामा में जमीन है जितनी भी, जो सरकार ने अपने नाम कर ली, सारी जमीन उल्टी गामा के नाम करवानी पड़ेगी, यू समझ लियो। अरेबीन ने सरकारी स्कूल कहना बंद करके अपने स्कूल कहना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर बड़ा बड़ा आंदोलन चालू होगा, टोल टैक्स के ऊपर बड़ी घोषणा करांगे, आने वाले टाइम में जो आपको परेशान करने वाले जितने मुद्दे हैं उन सारों का सफाया करके इस पूरी की पूरी अव्यवस्था को जड़ से उखाड़ के एक अपनी व्यवस्था बनानी है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करना है। और आप सब लोगों को बस ये गुजारिश है कि जितनी ज्यादा संख्या में आप आ सकते हो, जितनी हिम्मत आप आकर के एक दूसरे साथियों को दे सकते हो उतना आ जाओ, और घबराने की जरूरत नहीं है, जीएसएम आपके साथ है, पूरा परिवार बदन लाग रहा, पूरे भारत से पूरे एरिया से लोग आने वाले हैं, आचार्य जी हमारे साथ है, आचार्य जी ये सारे साथियों का हौसला देख के क्या कहेंगे आप? इसमें सभी देशवासियों को ये संदेश है कि आप सभी दीपावली के शुभ अवसर पर सही अर्थों में दीपावली मनाएं। कोई भी भाई किसी भी प्रकार से ये जो षड्यंत्रकारी है, जो बैंकों का फ्रॉड है, इसको समझ करके आप सभी एक आवेदन लगाना पड़ेगा और आपको बैंक कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने लोन माफ नहीं करवाना, सेटलमेंट नहीं करनी, आपने पाई पाई ब्याज समेत भरना है, ये बोलिए, आवेदन लगा दीजिए, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और बैंकों ने जो लोन दे रखा और आपको ऋणी बना रखा है, सारे बैंक हमारे ऋणी हैं, हमने बैंकों से लेना है, हमारा बनता है, जो असली धन है वो हम प्राप्त करेंगे, सही अर्थों में दीपावली मनाएंगे। तो जिस भाई का भी भाई किसी ने घर के ऊपर सील कर रखा है, लॉक लगा रखा है, तो दीपावली के शुभ अवसर पर भाई अपने घर में जाके दिए जला लो, आवेदन लगा लो और सही अर्थों में दीपावली मना लो। ये काम पूरा जीएसएम कर रहा है। सारे भाइयों ने दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की, भैया दूज की, गोवर्धन की, असली धन गोवर्धन है, उस धन को प्राप्त कर लो, वो सोना चांदी जमीन है उसको ले लो भाई, ये आपका धन बैंकों ने हड़प रखा है, उसको काबू में कर लो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की हुंकार है, जनता ही सितारे है।